नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए UPSC एग्जाम में आने वाले GK GS के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप हमारे वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद इसे शेयर करना है अपने सभी भाइयों बहनों के पास, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को करें और अपना स्कोर पता लगा सकें कि उनकी तैयारी कैसी चल रही और वो इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 30+ सही कर लेते हो तो निश्चित ही आपकी तैयारी एक बेहतरीन मार्ग में चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 77 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, UNO की स्थापना किस वर्ष किया गया, यानी UNO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो UNO की स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अप्सरा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पहली योजना को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो यह प्रदान की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ योजना का पंचवर्षीय था ये पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था यह नारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, छठवां 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो रमण अनुसंधान स्थापित बंगलोर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापित किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नौवा, भारी जल DTO की खोज किसने किया था, यानी D2O की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी HG यूरे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दसवां आपके सामने, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, UNO के प्रथम महासचिव कौन थे? तो UNO के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्रांबे मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो UNO की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही थी? तो ये असफल रही थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो पूरी तरह से असफल रही थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ ईओनो में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ईओनो में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वर्तमान में ईओनो में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में ईओनो में कुल टोटल 193 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित ये कहाँ पर? तो ये कलपक्कम में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत घर ये है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया? तो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को तो ये किया गया था पोखरण राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर थी? तो ये थी हेरोड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया था तो ये किया था नांगला पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश है तो ये देश है रूस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बान की मून किस देश के निवासी हैं? तो बान की मून है बुद्ध हैं दक्षिण कोरिया के निवासी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है? तो काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया? तो यह किस देश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र में प्रथम महिला अध्यक्ष ये किया गया था श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो यूएनओ के टोटल 6 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में टोटल 5 स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं?
तो सुरक्षा परिषद में टोटल 10 स्थायी सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या है, तो यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या है 6, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लास्ट प्रश्न है, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया, तो भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपकी तैयारी कैसी चली, कृपया अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अब लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।